वर्टिकल आर्क के 4 साल दक्षिण में सूखा पड़ गया और तब दुनिया पर राज करने के लिए बारिश की प्रार्थना की खातिर ड्रैगन बॉल की पेशकश जरूरी हो गई। इसी बीच एक शैतानी हवा ने चुपके से हमला कर दिया। अलीगो, खोलो इसे। कमांडर, ये ड्रैगन बॉल मेरे साम्राज्य के पूर्वज हैं। जान पर खेलकर ड्रैगन पैलेस से लाया गया है। ये ऊर्जा से भरा है। ऐसी अफवाह है कि ड्रैगन बॉल पर मर्मन कबीले की बुरी नजर है। इसकी ऊर्जा फैलती है तो मर्मन कबीला आकर्षित होगा। यहाँ अनहोनी होने वाली है कमांडर। शार्क, आज ड्रैगन किंग आ रहे हैं और वो इसे अभी देखना चाहते हैं। खोलो इसे। तो ऐसी कहानी है, जल परी हत्या करती है, तुम बात नहीं करते, कितने अफसोस की बात है। सर, मैंने जो कहा वो सच है, आप मेरे विश्वास मत करिए, लेकिन मेरे घाव को देखिए। इस मामले में फिर से उसका बयान लो और रिकॉर्ड रखो। सर, सर, ऐसा लगता तो नहीं है कि वो झूठ बोल रहा है, हालांकि मैं वास्तव में इस पर विश्वास नहीं करता। लेकिन मामला वाकई अजीब है। ड्रैगन बॉल चोरी होने की खबर फैल ना पाए, अफवाह बताओ। समझ गए सर। वेंग चेन ड्रैगन बॉल ढूंढकर वापस ले आएगा। ड्रैगन बॉल आखिर खोया कैसे? वेंग चेन को सिर्फ 10 दिन चाहिए। ले तो आएगा ही, मगर ये खोया ही कैसे? 5 दिन, 10 महीनों से सूखा पड़ा है। क्या लोग इन 10 दिनों तक आपका इंतजार करेंगे? मास्टर को तलाश करने का समय आ गया। डी रेंजी को बताओ कि उसके पास सिर्फ 3 दिन है। जी। लड़की प्रतिभाशाली भी और सुंदर भी है। कौन रईस आदमी हसीना के साथ आज चांदनी रात में गीत सुनना पसंद करेगा? 1000। तैयार कैसे हो गया ये आदमी? तो बहुत हैंडसम है। आप तो
डाली मंदिर की मंत्री हैं, मिस्टर डी। अरे ये तो डाली मंदिर का मंत्री। तुम उन लोगों से कहो यहाँ शोर ना मचाएं। संभाल के चल आराम से। ठीक है मिस्टर डी। सर ज्ञान मिस्टर डी, ये दरबार का गोल्डन बेल्ट है, इसे आप संभाले। मैं इसे लेने की हिम्मत नहीं कर सकती। ये चीज मेरी नहीं है, कौन लेना चाहता है? बहुत अच्छे एडिरन जी, ये गोल्ड मेडल महारानी ने प्रदान किया है, तुमने इसे फेंकने की हिम्मत कैसे की? मिस्टर डी ने बहुत ज्यादा पी ली है। सर अब मुरी लाओ और दूसरे कमरे में मेहमानों का आराम का इंतजाम करो। एडिरन जी, शाही आदेश है, काम पर वापस आओ, 3 दिन में समस्या का समाधान करना है। तो फिर तुम 3 दिन बाद आना, पवित्र आत्मा का सामना करने के लिए बस मेरा सर ले जाना। मेरे साथ चलो। जा, जाने दो। लड़ना बंद करो। वो अभी जिंदा है। रंजी, डाली मंदिर के मंत्री के रूप में कितने ही लोगों ने तुम्हारी जिंदगी बदल दी और अब तुम यहां नशे में धुत होने का नाटक कर रहे हो। तुम पे धिक्कार है, तुम्हें सब कुछ खत्म नहीं करना चाहिए था। जो वो भी जिंदा है। उठो उठो, वो भी जिंदा है, जिंदा है। मैं नहीं जानता हूं कि तुम्हें इस हालत में देखकर महारानी क्या बोलेंगी। देखो देखो शाही पुजारिन को देखो, कितनी खूबसूरत है। ये तो शाही पुजारिन है, ये तो बहुत खूबसूरत है। बंद करो, वो शाही पुजारिन है, हो जाए तो आपको जिंदगी से कोई शिकायत नहीं रहेगी। ज्ञान, ज्ञान, तुमको बिल्कुल डर नहीं लगा? भूतों के बारे में इतना डरावना क्या है? भूतों से भी डरावना कुछ होता है? आदमी? अच्छा, लोगों के बारे में इतना डरावना क्या है? धीरेन जी, लोग भूतों से भी ज्यादा डरावने होते हैं। देखा, मैंने तुम्हें क्या समझ सिखाया? ज्ञान, 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 अरे परेशान मत करो। क्या देख रहे हो?
वो शाही पुजारी ने। वैसे मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है मिस्टर डी। सही, तुम कल रात कहाँ थे? तिहानु चाहते कि मैं खंडर वाला केस हल करूँ। शार की वो अफवाहें क्या उस मामले से संबंधित है? वो मामला जो शिप की बोर्ड पर हुआ, सबूत का क्या, लाशों का क्या? मिस्टर डी तुम समझदार हो। हाँ, जब मैं नशे में होता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? इतना महत्वपूर्ण केस लेने के बाद कुछ बड़ा काम करना होगा। बड़ा काम मतलब क्या? नहाना। अरे वो मेरा घोड़ा है, रुको। सर, मरने वालों पर पंजों के निशान थे। सनफू के बयान के मुताबिक वो एक शार्क थी जिसने उसकी जान ले ली। जलपरी वाला दावा विश्वसनीय नहीं है, एक सिपाही का अनुमान है। किसी ने जलपरी जैसे कपड़े पहन रखे थे और लोहे के पंजों से हत्या की गई। सुनफू बस डरा हुआ था। ये एक सैनिक है, लड़ाई का कोई निशान नहीं, कोई बिना कारण कैसे मर सकता है? ये कौन है? जनरल वांग योंग? सही पहचाना। क्या जनरल की लाश में जहर के लक्षण दिखाई दिए? बिल्कुल भी नहीं। ये कौन है? वो दूत जिसने ड्रैगन बॉल को रूइंस किंगडम तक पहुंचाया, अलीगो। अलीगो, चलो बोर्ड पर तलाशी जारी रखो। स्वागत है आपका। सम्मान। स्वागत है। गवाह के मुताबिक ये वो डेक है जहां मरमन कबीले के लोगों ने सैनिकों पर हमला किया था। ये सुनफू बहुत बड़ा बेवकूफ है। तो अनुमान लगाओ, क्या यह संभव है कि हथियारे पहले से ही घात लगाकर बैठे हुए हो, फिर नाव पर चढ़कर हत्या की? ऐसा नहीं हो सकता। ड्रैगन बॉल को सही जगह पर पहुंचाने के लिए शाही दरबार ने 7 दिन पहले ही सारे जलमार्ग बंद कर दिए थे। हथियारे अगर पहले से ही समंदर में छुपे होते तो ड्रैगन बॉल को चुराने के लिए 7 दिनों तक इंतजार कैसे कर सकते थे? हमारे डाली मंदिर ने बंदरगाहों को बंद कर दिया। न जिंदा न कोई मुर्दा न कोई लाश। यूंटिंग, क्षेत्र की जांच के लिए किसी को ले जाओ। हाल ही में आने वाले जहाजों की पूरी जानकारी निकालो। सर। ये कौन सी जगह है? तहखाना है। उस समय खंडरों से लौटते हुए 800 रक्षक यहां कैद थे, सब भाग गए। संरक्षक अब कहाँ है? उन्हें जुआनुओं के पैलेस में रखा गया था जहां शाही पुजारिन रहती है। ऊपर चलो, देखते हैं। निकलना आसान नहीं होगा। ये
तीन धार वाले, तीन अंदाजी विभाग के तीर। सर, सर, मुझे कुछ पता चला है। 7 दिन पहले किसी ने लुआंग नदी पर मछली पकड़ने की नाव खरीदी और समंदर में चले गए और अभी तक नहीं लौटे। मछुआरे ने कहा कि वो एक नकाबपोश आदमी था। हालांकि मुझे पता नहीं चल सका कि वो कौन था। मुझे नाव में उसकी कुछ चीजें मिली हैं। जिंगफू, ये जेंग का सोना है। सही बात है मिस्टर जेंग, युद्ध में कुशल शस्त्रागार के इंचार्ज है। ये बहुत संदिग्ध बात है। मिस्टर जैन की वफादारी मशहूर है, इस तरह की चीजों में शामिल होने के लिए उनका क्या मकसद हो सकता है? ये निर्भर करता है कि वो किसके प्रति वफादार है। बेशक सम्राट के प्रति। जेंगफू के पास चलो। इसे क्या हुआ? देखिए सर, मेरे पिताजी अभी कुछ समय पहले ही वापस आए थे। मैंने उन्हें गलियारे में चिल्लाते हुए सुना। मैंने एक छाया को गुजरते हुए देखा और फिर मेरे पिताजी घातक रूप से घायल थे। ये जरूर शार का काम है। सुनो, क्या हम मिस्टर जैन के स्टडी रूम में जा सकते हैं? हाँ, शार्क। मिस्टर जेंग, मुझे मैकेनिकल हथियार पसंद है। आशा है इस स्क्रॉल में कोई जाल नहीं होगा। क्या इसे खोलना आसान नहीं था? लापरवाही। लोहे का पंजा एक अच्छा मरमन मार डालता है। मुझे देखो, मैं उसे डाली मंदिर साथ ले गया था। क्या तुम्हें नहीं लगता यह आदमी बहुत ज्यादा ही खुलासे कर रहा है? सारे सबूत ये मेरे लिए ही तैयार किए गए हैं, बस मुझे यहां तक लाने के लिए, मुझे मुझे बस चढ़ाने के लिए। दिलचस्प, मुझे अपने इशारों पर नचाने की कोशिश। हाँ, नचाने से याद आया, मैं सचमुच सोच रहा हूं कि तुम्हें कोई सुराग मिल गया है? नहीं, मुझे संगीत सुनना है। अरे तुम कहां जा रहे हो? क्यों फैन क्लब। तुम यस, आज की पार्टी तुम्हारे नाम। अरे आजाओ, आजाओ, मेरे साथ आजाओ। हाँ, मेरी तरफ से पियो पियो, पूरा पूरा ग्लास भर दो। ओ चीयर्स। शाही पुजारिन, आओ आओ एक ड्रिंक ले लो। मैं जानना चाहता हूँ ड्रैगन बॉल की असलियत के बारे में। बाजार में वापसी,
मूल रूप से रेगिस्तान में। पूर्वज एक बार बाहर गए थे, गलती से रेत की दलदल में फंस गए। समंदर की आँख सीधे ड्रैगन पैलेस की ओर ले जाती है। पूर्वजों ने ड्रैगन पैलेस की राष्ट्रीय खजाने से ड्रैगन बॉल को दोबारा हासिल किया। तब से गुनसू क्षेत्र में साल दर साल भरपूर बारिश होती है। सारे रेगिस्तान बारिश से हरे भरे हो जाते हैं। पूरी जनजाति धीरे धीरे बढ़ती गई। अब एक रेगिस्तान जल शहर के रूप में आज जैसा दिखता है। ये देश अपनी प्रजा को उचित जीवन देना चाहता है, ये समझ में आता है मुझे। सर, गुंगसुंग में ड्रैगन बॉल की असल शुरुआत हुई। अलीगो के बारे में क्या? वो कौन था? अलीगो एक राष्ट्रीय शिक्षक थे। ये आदमी सोना बनाने में कुशल थे। गुंगसु के नष्ट होने के बाद ड्रैगन बॉल की हमेशा उसी ने हिफाजत की। उस दिन बारिश की प्रार्थना के लिए एक दूत के रूप में अलीगो कानून की रक्षा के लिए खंडहर में 800 रक्षकों की वापसी की नेतृत्व कर रहा था। वह टैंक तक ड्रैगन बॉल के साथ था। अलीगो, यह आदमी सोना बनाने में कुशल था। यह सनफू बहुत बड़ा बेवकूफ है। शुक्रिया शाही बुजारिन। तुम सच में किया नहीं हो? शायद अगली जन्म में। आज्ञा चाहता हूं। क्या तुम ठीक हो? दिमाग में हलचल है। क्या तुम्हें पता है ये कियान कौन है जिसका नाम मिस्टर डी ने? कियान, जादुई शक्ति वाली वो पवित्र लड़की जो लंबे समय तक दूर मैदानों में रही। इस लड़की को मैं ज्यादा नहीं जानती। ये महान फू सोंग झाओयान की बेटी थी, मिस्टर डी के बचपन की साथी। बताया जाता है कि दोनों की शादी तय हो चुकी थी। असल में मास्टर डी को पता चल गया था कि ताइफू साजिश कर रहा था। बाद में उसके दादाजी का सिर कलम कर दिया गया था और उसी दौरान ये लड़की भी मर गई। क्या मेरे जैसी दिखती थी? उसे मैंने कभी नहीं देखा। दिवेन जी, तुम यहां? सनफो के साथ समस्या है। मिस्टर डी, बताने के लिए और कुछ नहीं है, मैं सब कुछ बता चुका हूं। तो तुम मुझे ये बताओ कि तुमने ड्रैगन बॉल को कैसे गवा दिया? ड्रैगन बॉल? मैंने तो सब कुछ बता दिया। ड्रैगन बॉल मर्मन लोग ले गए। शाक ने उसे छीन लिया। तुम्हारी बताई हुई कहानी अद्भुत है। क्या तुम मेरी कहानी सुनोगे? आलीगो खंडरों में ड्रैगन बॉल की रखवाली करने वाला एक राष्ट्रीय शिक्षक था। वो सोना बनाने में कुशल था। उसे डर था कि राष्ट्रीय खजाना टैंग राजवंश के कब्जे में चला जाएगा। कौन है वो? मिस्टर जेंग। इसलिए तुम्हें मास्टर जेंग के साथ अंदर और बाहर मेल मिलाप रखना जरूरी था। किराए के हथियारों का मामला बनाया गया, फिर ड्रैगन बॉल को जहाज चले जाया गया। ठीक अलीगो के दूत। सर, आप क्या कह रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तुम्हारे समझने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम्हें सचमुच यकीन है कि वो तुम्हारी रक्षा करेंगे? ड्रैगन बॉल को वापस बाजार में ले आओ। मास्टर जेंग मर चुके हैं।
मिस्टर डी, आप कमाल के हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं सिर्फ ड्रैगन बॉल की रक्षा करता हूं? देश मर रहा है, तुम्हें लगता है मैं ड्रैगन बॉल की वजह से मरने वाला हूं? दातांग, ड्रैगन बॉल की वजह से नहीं मरेंगे। जैसे ही तुम लौटते हो, ड्रैगन बॉल तुमको नहीं बचा सकता। तो फिर मिलेंगे, क्या तुम्हारे पास ये क्षमता है? पीछा करो। यूनिटिंग सर, पीछा मत करो। ये शार्क है ना? सर, मेरा एक और सवाल है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर ये सारी गड़बड़ वास्तव में अलीगो और मास्टर जेंग ने की है, तो ड्रैगन बॉल अब कहाँ है? उसे पहले ही जगह से हटा दिया गया है। हटा दिए गए? हमने तो 7 दिन पहले ही पूरे नदी तट को बंद कर दिया था। अब तक तो जहाज के डॉक पर आने पर हमने उसका अभिवादन भी किया था। किसमें इतनी हिम्मत है कि हमारी आंखों के सामने ड्रैगन बॉल को हटा सके? बेशक ही हम में से कोई कर सकता है। इसका क्या मतलब है? हमारे डाली मंदिर में कोई गद्दार है। गद्दार? कौन हो सकता है? अली को पर नजर रखना। जियाहू और चेंग लियांग। तुम्हारा मतलब है दोनों ने ड्रैगन बॉल को चुराने के लिए अलीगो के साथ सहयोग करने की साजिश की? शायद दोनों ने ही साजिश रची हो, शायद ये कोई एक भी हो सकता है। तो उन लोगों के मकसद क्या है? जल्दी पता करना होगा। यूनटिंग सर, जियाओ और चेन लियांग को तलाश करो। सर 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 सर, जियाओ ने मुझे घायल कर दिया और फिर फरार हो गया। चेन लियांग, तुमको कैसे मालूम कि हम जासूसों को तलाश कर रहे हैं? पीछा करना बंद करो, चलो। प्रिंस की हवेली? लंबे समय से मैंने प्रिंस को देखा नहीं है। हम राजकुमार से मिलने आए हैं। प्लीज राजकुमार जी, राजकुमार की कैलीग्राफी यकीनन बेमिसाल लिखावट है, बवंडर की तरह, लेकिन ये बहुत कठिन है और यही अच्छा नहीं। फिलहाल टैंग राजवंश बारिश में पतझड़ के पत्तों की तरह है, महल के बीचों बीच। सजावट के बारे में क्या? मुझे पता नहीं कि मिस्टर डी को याद है या नहीं, सम्राट के साथ पेंट करने का वो दिन। बेशक मुझे याद है, तब रॉयल हाइनेस नौजवान थे। सम्राट की बात करें तो सामान्य नजरों में रॉयल हाइनेस की कैलीग्राफी सुंदर और खुद रॉयल हाइनेस बुद्धिमान थे, मगर एक पॉइंट, सम्राट लॉन्ग यांग डेयू
कलम और मंत्री पद दोनों में कुशल थे। याद करो सम्राट ने क्या लिखा था, शांति और खुशहाली। और मिस्टर डी ने क्या लिखा? सम्मान है। मिस्टर डी कभी नहीं भूले। राजकुमार की हवेली में स्याही बनाने वाली ये लड़की बहुत मेहनती है। अनाड़ी कहीं की, दबाओ यहां से। जी। वही चेन सोचता है, आड़ू के छोटे फूल अद्भुत है, बहुत खूबसूरत। अगर राजकुमार का मूड एक छोटे आड़ू के फूल की तरह हो सकता है तो बहुत अच्छा होता। कुछ चीजें अनुमान से परे होती हैं, जैसे पेड़ों को एक जगह से दूसरी जगह लगाना। हर चीज का व्यापार नहीं किया जा सकता, वरना एक गलत कदम से सब कुछ लुट जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। अलविदा राजकुमार। दुनिया में पहाड़ और नदियां एक बुरा विचार। पीला वस्त्र बदले, बैंगनी रंग का लिबास। आड़ू का एक छोटा सा फूल वास्तव में बेमिसाल है। सम्राट के परिवार में पैदा हुआ गरीब। ये राजकुमार की हवेली से है। मो को सूचित करो, राजकुमार की हवेली पर चलो। यस सर। उस हवेली में घुसने की हिम्मत किसने की? डाली मंदिर ने आदेश दिए, पीछे हट जाओ। हमला करो। महारानी, ये ड्रैगन बॉल है। ये विधवा सोच रही थी माँ बेटे की रिश्ते के बारे में। अब तक आपने प्रिंस को संभाले रखा, तुम्हें कोई पछतावा नहीं। तुमने लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया, बारिश रोकने के लिए ड्रैगन बॉल चोरी कर लिया, एक उच्च पदाधिकारी की हत्या करवा दी। क्या तुम अपने आप को दोषी मानते हो? अगर आप मुझे अपराधी साबित करना चाहती हैं तो कोई बात नहीं। पिता सम्राट का मैं असफल बेटा हूँ।
लीजियन, तुम विद्रोही हो, ऐसा दिखावा मत करो जैसे तुमको जानते ही नहीं। विद्रोही? सुना था कि महल में साजिश हो रही है। ये देश मेरे ली परिवार का है। मैं सम्राट हूं। आज मैं तुम सभी को गिरफ्तार करने वाला हूं, भेड़िया की महत्वाकांक्षा। और तुम, मेरे पिता ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया, और तुमने सिर्फ उसका ख्याल रखा, सिर्फ महारानी का ख्याल रखा। और अब मैं तुमको रुक जाओ राजकुमार, रुक जाओ राजकुमार, रुक जाओ, अरे रुको उसे राजकुमार, नहीं नहीं राजकुमार, नहीं नहीं रुको रुको राजकुमार, नहीं नहीं राजकुमार, नहीं। मैं राजा हूँ। पागल, बिल्कुल पागल हो गया है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हारी सात पीढ़ियों को नष्ट करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम राक्षस हो, मैं राजा हूँ। महारानी, राजकुमार पागल हो गए हैं एक पुराने मंत्री की दृष्टि में। राजकुमार अब क्राउन प्रिंस के योग्य नहीं रहे। कृपया जल्द से जल्द सही उत्तराधिकारी को चुने। महारानी, राजकुमार की सच्चाई कुछ अजीब है। क्राउन प्रिंस के रूप में राजकुमार वो इस काबिल नहीं है। तुमने जो कहा वही सच्चाई है। अभी सबसे महत्वपूर्ण है बारिश के लिए प्रार्थना करना। डी रेंजी, ड्रैगन बॉल मामले को सुलझाओ, इसका इनाम दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, सब जा सकते हैं। रानी को बधाई हो। रानी को बधाई हो। ये क्या है? राजकुमार के साथ कुछ अजीब मामला है। चलो, हमें कहीं जाना है। ध्यान से, जहरीला है। ये देखो, बड़े मियाँ, मतलब कीड़े मकोड़ों के बकिंग। मैं डाली मंदिर से आया हूँ मॉलिंग फो कुछ जांच पड़ताल के लिए। मैं बकिंग से कुछ पूछना चाहता हूँ। मुझे क्या परवाह तुम डाली मंदिर से आए हो या जियोली मंदिर से। यहाँ कोई बकिंग नहीं है। जाओ बाहर, बाहर जाओ। डाली मंदिर, तुम्हें कीड़े मकड़ों के राजा का नाम दिया गया है, क्या तुम नहीं जानते?
दूर हो जाओ। तुम मुझसे लड़ोगे? अच्छा, मुझे नहीं पता कि बग्गी के पास समय है या नहीं। हमारा भ्रम दूर करने में मदद करो। एक और बदबूदार बोरी। मेरी बदबूदार त्वचा इसे बेहतर नहीं हो सकती। सफेद मकड़ी, लड़ना बंद करो, ये बकिंग नहीं है। अरे, ये कीड़े मकोड़ों का राजा नहीं है तो फिर कौन है? ये है। ये सफेद मकड़ी है। 10 साल पहले किंग चेंग को रुइंस किंगडम में लौटने का आदेश दिया गया था, ठीक इसीलिए क्योंकि सफेद मकड़ी लंबे समय तक शहर पर हमला करने में असमर्थ थी। इसकी काटने पर जहर से इंसान कल्पना लोक में पहुंच जाता है। इतनी जहरीली? जो खंडर में लौटते हैं वो इन जहरीले कीड़ों से कैसे निपटते हैं? ये सफेद मकड़ियां विशेष रूप से घंटियों के प्रति संवेदनशील होती हैं। शाही परिवार ने पारंपरिक रूप से मकड़ियों को नियंत्रित करने की कला को आगे बढ़ाया। मैं तुम्हें मार डालूंगा। धन्यवाद। तो नतीजा ये निकला कि राजकुमार का पागलपन इस सफेद मकड़ी का काम है। प्रिंस बनने के लिए राजकुमार को बस धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी होगी। चिंता की बात तो यह है, मुझे लगता है राजकुमार को फंसाया गया है। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं? जियानू पैलेस। हाँ ठहरिए, मैं भी आ रही हूँ। मैं भी। हम जियानू से मिलना चाहते हैं। सर, कल वर्षा प्रार्थना का समारोह है। शाही पुजारी विश्राम कर रही है, प्लीज आप बाद में आए। मास्टर डी, प्लीज। राजकुमार को फंसाया गया है। गवाह और सबूत कहाँ है? राजकुमार ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, अब फंसाए जाने का क्या मतलब? तुम मकड़ी को कंट्रोल करती हो, तुमने उसे भ्रमित किया। वो पागलों जैसी बातें कर रहा है। सर, क्या आप भ्रम में विश्वास करते हैं? मुझे सिर्फ सच पर विश्वास है। कल बारिश के लिए प्रार्थना करने की रस्म है। ये अनुरोध है कि आप कोई नई समस्या ना खड़ी करें।
ड्रैगन बॉल मिल गया है, आप इसे खुद देख लेंगे। महारानी के लिए ये वास्तव में बहुत बड़ी बात है। पहले अलीगो को मोहरा बनाया गया, फिर मास्टर जेंग के नाम पर मछली पकड़ने की नाव खरीदी गई, ड्रैगन बॉल की रखवाली करने वाले सिपाही की हत्या कर दी गई। अलीगो के आने के बाद बंदोबस्त किया चेन लियोंग का, ताकि वो जहाज से ड्रैगन बॉल हासिल करे और चुपके से राजकुमार की हवेली में रख दे। और ये सब ऐसा लगता है कि ये सब मेरे लिए तैयार किया गया, तहकीकात का रुख प्रिंस की तरफ करने के लिए। महारानी को मेरी मदद चाहिए थी राजकुमार को हटाने के लिए, इसीलिए बारिश के लिए प्रार्थना करना झूठ था। राजकुमार को खत्म करने वाली बात सच है, तुम बताओ क्या मैंने ठीक कहा? मिस्टर डी, तुमने कुछ ज्यादा ही कह दिया। जल्दी भागो। लौटी, हम आ गए। मशाल उठा लो, आग से हमला करो, जल्दी जल्दी। दूसरे रास्ते से चलो, नदी की ओर वाले चट्टान पर भागते रहना। हाँ, तैरना आता नहीं? ठीक है, कुछ देर के लिए। क्या? चलो।
रुक जाओ, लड़ना बंद करो। देखो कौन सी जगह है, ये ड्रैगन पैलेस है। यही है ड्रैगन पैलेस, क्या ये एक लेजेंड नहीं है? चलो यहां कैसे आ गए? समंदर की आंख, याद है जब मैंने तुम्हें ड्रैगन बॉल की असल जगह के बारे में बताया था? दरअसल ड्रैगन बॉल मेरे पूर्वजों को ड्रैगन पैलेस में नहीं मिला था। ये मर्मन था जिसने ड्रैगन बॉल चुरा लिया था अपने देश की धन संपत्ति बढ़ाने के लिए। ड्रैगन पैलेस अब धनी नहीं है, ड्रैगन धीरे धीरे मर रहे हैं। मर्मन भी शापित हुआ, खून का प्यासा हो गया, खंडहर पर लौटा तो हर चीज टैंग राजवंश के हाथों नष्ट कर दी गई थी। ये करू या मरू की तरह है, अब ड्रैगन बॉल लियोंग में पहुंच गया है। टैंग राजवंश को अब खत्म हो जाना चाहिए, नष्ट हो जाना चाहिए। इतना अभिमान टैंग वासियों को शराब देने की हिम्मत कैसे हुई? जब तक आप ड्रैगन बॉल ना लौटाएं, खंडहर पर ना लौटें और सब कुछ वापस शांति के माहौल में ना ले आएं, एक राष्ट्र की किस्मत ड्रैगन बॉल तय नहीं कर सकता। तो मुझे बताओ क्या फैसला है? जियांग शानशाह जी की सफलता, आम लोग हैं। विजेता राजा है, हारने वाला रंक है। ये आदमी बेशक सब कुछ बदल सकता है, मुझे ड्रैगन बॉल दो। क्या सब कुछ संतुलन में लाना अच्छा नहीं होगा? ड्रैगन बॉल मेरे पास नहीं है। अपना हाथ आगे करो। मुझे दो। धीरेन जी, ड्रैगन बॉल स्वर्ग की रानी का है। सर, ड्रैगन बॉल अहम सबूत है, आपको अभी भी मामले को सुलझाना है। धीरेन जी, ड्रैगन बॉल मेरा है। धीरेन जी, क्या आप सम्राट के उपदेश को भूल गए? ड्रैगन बॉल मुझे दो। धीरेन जी, ड्रैगन बॉल मुझे दे दो। ड्रैगन बॉल मुझे दो। ये मेरे लिए परिवार का देश है, मैं सम्राट हूँ, मैं सम्राट हूँ। डी रेंजी को अब डाली मंदिर मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है।
जी। क्या? मुझे पता था तुम मरी नहीं थी। तुम मुझे इतने दिनों से देखने क्यों नहीं आए? मेरे पिताजी कहाँ हैं? तुम्हारे पिता देशद्रोह के दोषी पाए गए। मेरे पिताजी ने बगावत नहीं की थी, वो सिर्फ राजकुमार की मदद करना चाहते थे। राजकुमार की मदद? राजकुमार विद्रोह करना चाहता था, मेरे पिताजी सिर्फ उसकी रक्षा करना चाहते थे। राजकुमार ने विद्रोह कर दिया, मगर किसके खिलाफ? ये सब तो उसी ली परिवार का हिस्सा है। महारानी राजकुमार से छुटकारा पाना चाहती थी, स्वर्ग की रानी बनने के लिए। मुझे डर है कि महारानी भी बस एक शतरंज का मोहरा है। तो तुमने पता किया शतरंज का खिलाड़ी कौन है? ये तो मुझे भी नहीं पता। बिल्कुल, लोग सचमुच भूतों से भी ज्यादा डरावने होते हैं। मैं इस मामले की जांच भी नहीं कर सकता। ऐसा कोई मामला नहीं है जिसकी तुम जांच नहीं कर सकते। मैं तुम्हें दोष नहीं देना चाहती, मैं भी वास्तव में तुम्हारे पिता को दोष नहीं देता। धीरेन जी, तुम्हें जाना चाहिए। शतरंज के खिलाड़ी को ढूंढने का समय आ गया है। कियान, कियान, शतरंज का खिलाड़ी कौन है? जियानियू, महारानी, 800 रक्षक अभी तक क्यों छुपा कर रखे गए हैं? सैनिक सुरक्षा कवच क्यों नहीं पहनते? तो ये है। अगर आप जिंदा हैं तो चाय मकड़ी का जहर उतार सकती है। बोलिंग पे हुआ था? हम सभी को सफेद मकड़ियों द्वारा जहर दिया गया था। जाने की इजाजत नहीं है। बग किंग मकड़ी, वही जो तुमने मुझे पिछली बार दिखाई थी। हालांकि दोनों का संबंध खंडहर से है, लेकिन उनके जहर का असर पूरी तरह से अलग है। ये मकड़ी घातक नहीं है। तो मतलब राजकुमार को दिया गया जहर, ये जरूरी नहीं कि जियानू ने दिया हो। मकड़ियों को और कौन कंट्रोल कर सकता है? अगर मुझे ठीक से याद है, खंडहर में लौटने के युद्ध के बाद लॉर्ड एक छोटी सी लड़की को वापस ले आए। कुछ दिन बाद
चुंटिंग, सभी सैनिकों और घोड़ों को इकट्ठा करो, चलो सर, चलो। तूफानी बिजलियां, तीन असली ड्रैगन, जाओ, ये टैंग राजवंश की असली ड्रैगन सम्राट है। चेन वांग, क्या तुम विद्रोह करना चाहते हो? पूछे हो, अपनी चालबाजियां बंद करो। मेरे ली परिवार का उपनाम वू कैसे हो सकता है? तुम चुड़ैल हो, राजकुमार को बंदी बनाया और जादू टोने से अधिकारियों को धोखा दिया, शाही दरबार को परेशान किया। ईश्वर इसकी अनुमति नहीं देता। तुम छोटे से मामूली सैनिक हो, तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? मेरी वफादारी दातांग के साथ है, मेरा शुद्ध खून ली परिवार के लिए है। इस चुड़ैल रानी को मार डालो, 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 खत्म कर दो। जाओ और हमला करो। चोर को पकड़ो, फिर रानी को संभालो। आठ साल की उम्र में बंधक के रूप में टैंग राजवंश भेजा गया। मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ। हो सकता है तुम मुझे फिर जन्म दो। अम्मा, अम्मा, अम्मा।
मूल रुक जाओ। महारानी, आप देश की प्रतिभाशाली शासक हैं। ये टैंग राजवंश का आशीर्वाद है, लेकिन जादू डोने की कभी भी सराहना नहीं की जा सकती। दुनिया अभी भी समाज के मुताबिक चलती है। आप दोबारा गौर करें। जिरेन जी, क्या तुम भी बगावत करने जा रहे हो? बीमारी के कारण वही चेन ने लंबे समय तक दरबार के मामलों को अनदेखा किया। यह अब तक और गंभीर है। क्षमा की प्रार्थना। स्वस्थ हो जाने तक वही चेन इस्तीफा देता है। टैंग राजवंश के हित के लिए मुझे तुम्हें जाने तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि मुझे हमेशा अपने सेवकों से हमदर्दी रही है। क्योंकि मिस्टर डी ने इस तरह इस्तीफा दिया है, मैं स्वीकार करती हूँ। धन्यवाद महारानी। महल में वापस चलो। चलो, चलना शुरू करो। धीरन जी, शाही आदेश आया है। डी रेंजी, डाली मंदिर के पूर्व मंत्री का बीमारी के कारण इस्तीफा महारानी द्वारा स्वीकार किया गया। आज से मो लिंगफे का प्रमोशन हुआ। डाली मंदिर के शाओ किंग और डाली मंदिर के सेक्रेटरी के रूप में इसकी सराहना होनी चाहिए। औरत का कोई नाम नहीं। जंगल और जंगल में हवा की लहरें नशे में हैं। राजा का पीछा करना और खंडरों में लौटना, हंसना और धूल उड़ते रास्तों को भूल जाना। धीरन जी,